नमस्कार, मैं विपुल सिंह आपका हमारे YouTube चैनल बी एच यू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बी एच यू स्टडी कैपिटल लगातार बी एच यू से रिलेटेड शानदार वीडियोज़ लेकर के आता रहता है। बी एच यू की जानकारी, सूचनाएं और जो भी अपडेट हैं वो लेकर के आता रहता है। उसी क्रम में आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम सेंट्रल लाइब्रेरी बी एच यू का, साइबर लाइब्रेरी, जिम, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, हेल्थ सेंटर, वीटी या फिर सीसीडी कैफ़े है, मधुबन कैफ़े है, इन सब सीन्स को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे यहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक शानदार टूर पर आइए, निकलते हैं। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का दर्शन कीजिए, काशी विश्वनाथ का, जो कि ये जो भी चित्र आप लोग देख रहे हैं ये हमारे बी एच यू के कैंपस में ही है, इसलिए आप लोग चाहें तो बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पर। आप लोग अगर कभी भी मन विचलित हो, जो भी बी एच यू में पढ़ने आएंगे, तो वो लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन जरूर करें। और ये वीडियो आप लोगों को बी एच यू स्टडी कैपिटल दिखा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ये लगातार हम लोग देखिए आप लोगों को अलग अलग व्यू में दिखा रहा हूँ आपको विश्वनाथ मंदिर का, विश्वनाथ मंदिर जो कि बी एच यू के कैंपस में ही है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं बी एच यू सेंट्रल लाइब्रेरी। ये बी एच यू की सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सी पुस्तकें हैं, आप लोग पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतनी पुस्तकें हैं। इसका अलग अलग तरीके से मैं आप लोगों को दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये फ्रंट व्यू है, इस प्रकार से अनेक व्यू है। ये अंदर का व्यू है, मेन जो हॉल है बी एच यू के सेंट्रल लाइब्रेरी का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि ये सुंदर सफ़र चल रहा है। हमने आपको विश्वनाथ मंदिर दिखाया, फिर आपको हमने बी एच यू की लाइब्रेरी अभी हम दिखा रहे हैं, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, फिर आगे साइबर लाइब्रेरी दिखाएंगे। ये आप बुक सेल्फ को देख सकते हैं आपके लाइब्रेरी में जो रखी हुई है, ऐसे अनेकों बुक सेल्फ रखी हुई हैं। इस प्रकार से हम सफ़र पर चलते रहेंगे, तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाते जाते ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिख करके जाइए। ये आप लोगों के सामने बी एच यू साइबर लाइब्रेरी, जिसमें बहुत से कंप्यूटर सेट रखे हुए हैं। आप लोग आराम से, 8 बजे खुलती है ये, 11 बजे तक खुली रहती है, आप जा करके आराम से पढ़ सकते हैं। फुली AC इसमें लगा हुआ है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आराम से शांति ढंग से आप पढ़ाई इसमें कर सकते हैं। आइए चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं सफ़र पर और बी एच यू जिम को देखते हैं। आप लोगों के लिए फिटनेस के लिए बी एच यू में जिम भी है, जिसे छत्रपति शिवाजी व्यायामशाला का नाम दिया गया है, जिसमें आप जा कर के जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आराम सिर्फ उसका कुछ जो ड्रेस है उसे ही बस फॉलो करना होगा, जैसे लोअर टी शर्ट वगैरह, और उसे आप पहन के जाइए और जिम को ज्वाइन कीजिए और आराम से अपने फिटनेस को ध्यान में रखिए। ऐसी सुविधाएँ लगातार बी एच यू में आपको बी एच यू फ्री में प्रोवाइड कराता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये आप देख सकते हैं बी एच यू प्लेग्राउंड का हम शुरू कर रहे हैं। अब बी एच यू प्लेग्राउंड में आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, जैसे बी एच यू प्लेग्राउंड एक तो एम्फी थिएटर है, जो कि पूरे बी एच यू का, पूरे यूनिवर्सिटी का एक ग्राउंड वो है, जो कि एक मेन ग्राउंड है। उसमें बहुत से प्रोग्राम भी होते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है बड़ा, जैसे आपका स्पंदन हुआ, या फिर अगर कोई बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसी में किया जाता है, आपका स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, ये सब चीज़ें। उसके बाद वो खेलने के लिए प्रयोग में आता है, उसमें इंडोर स्टेडियम है, आउटडोर स्टेडियम है, हॉकी ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, बहुत से ग्राउंड है। उसके बाद आपके हर एक फैकल्टी का भी ग्राउंड है, जैसे छात्रावासों के सामने, जैसे बिरला छात्रावास के सामने बिरला का, ब्रोचा छात्रावास के सामने ब्रोचा का है, गोटू के सामने कॉमर्स वालों का है। ऐसे ही हर एक फैकल्टी के लिए अलग अलग ग्राउंड बने हुए हैं। और ये जो अभी ग्राउंड दिखा रहा हूँ, ये आपका एम पी थिएटर है, जो कि बी एच यू के लिए, मैं एक प्रकार से मिक्स कर दिया हूँ वीडियो। अब आप देख सकते हैं मधुबन कैफ़े आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप जा करके अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, बैठ करके कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ अपना रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, उसके साथ कुछ अगर चर्चा करनी है किसी दोस्त के साथ शांति से आपको, तो वहाँ पर जा करके मधुबन कैफ़े में आप अपने आपको इंजॉय कर सकते हैं, अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको बी एच यू में हैं। अब आप देख सकते हैं बी एच यू स्विमिंग पूल, बी एच यू जो है आपको स्विमिंग पूल भी प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप अगर कोर्स को ज्वाइन करते हैं, एक स्विमिंग पूल का कोर्स होता है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है उसकी, उसे आप ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को तैरना भी वहाँ पर सिखाया जाएगा, स्विमिंग भी सिखाई जाएगी। ये आप लोगों को मैं वही स्विमिंग पूल का दृश्य दिखा रहा हूँ। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में इतनी चीज़ें हों जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी फैसिलिटीज़ जो मैं बी एच यू का आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो ये बहुत कम चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ये शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हो। कुछ IITs में ज़रूर हैं ये चीज़ें, IITs में ये चीज़ें हैं, लेकिन किसी विश्वविद्यालय में ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो इसलिए बी एच यू अपने आप में बेहतरीन विश्वविद्यालय है ही। इसके साथ साथ जो आपको बी एच यू स्टडी कैपिटल आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, ये सब चीज़ें दिखा रहा है वीडियो के माध्यम से, उस चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को। आइए देखते हैं बी एच यू हेल्थ सेंटर, जिसमें
आपको फ्री में हेल्थ कार्ड बनवाया जाता है और उसके अनुसार आपको कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होती है, तो आप हेल्थ सेंटर में जा सकते हैं। आपका सुंदरलाल हॉस्पिटल तो है ही BHU में, वहाँ भी दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको नॉर्मल अगर समस्याएं हैं तो आप हेल्थ सेंटर में आ सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं। हेल्थ सेंटर का मैं सीन आपको दिखा रहा हूँ, OPD देखिए, ये OPD का रास्ता जाता है। अब देख सकते हैं आप, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ CCD कैफ़े कॉफ़ी डे, ये आप लोगों के इन्जॉयमेंट के लिए है। आप चाहें तो वहाँ पर जा करके इन्जॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं BHU में, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। जल्दी मैं और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा हॉस्टल से रिलेटेड या फिर BHU के फैकल्टीज से रिलेटेड। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें ज़रूर बताइए कि आपको ये फैसिलिटीज कैसी लगी और BHU से रिलेटेड और कैसा वीडियो आप चाहते हैं जो कि हम BHU स्टडी कैपिटल अपने चैनल के माध्यम से लेकर के आएँ, तो ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।